एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 3 बजे से। आज सुबह से लेकर मैं बिजी थी क्योंकि थोड़ा सा कुछ काम था, और घर से आई तो सुबह आज बारिश भी बहुत थी। कल रात को तो इतनी बारिश हुई, आप लोगों के वहाँ कैसे कैसी बारिश हुई। थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ और स्पेशल गेस्ट से मिलवा रही हूँ आपको, और आप गेस कीजिएगा कि कौन आई है। ईशा आज अपने पुराने रूप पे आ चुकी है और ईशा की अब दोबारा से इंस्टाग्राम पे वीडियो भी आएगी, क्योंकि थोड़े दिन ये बंद थी। और देखिए अभी नोटिफिकेशन आ रही है मेरे पास कि ईशा की वीडियो आई है अभी तो आज इसने वीडियो डालनी दोबारा शुरू की। इसका संन्यास चल रहा था कितने दिन का, कुछ टाइम का, काफी महीने हुए, 2-3 महीने हुए, 2-3 महीने का इसका संन्यास चल रहा था, तो खत्म हो चुका है आज। तो मैंने छोटी सी वीडियो इसीलिए बनाई है आप लोगों को, इंस्टाग्राम पे ईशा के नाम से इसको भी फॉलो कीजिए। और ये है प्रीति। हेलो हाय गंजी। तो ये इसके बारे में तो आपको बताया है मैंने, ये कौन है? ये है हीना की सिस्टर। आजकल इनको पता है हीना को सब जानते हैं, हीना ईशा सब जानते हैं। हम लोग तीनों एक ही हैं, हम लोग तीनों साथ ही रहते हैं तो सबको जानते हैं, तो इनको क्यों नहीं पता इसलिए। और हमारे यहाँ लाइट भी नहीं है गाइस, यहाँ लाइट चली गई है। कितने हम चमक रहे हैं एक्चुअली। ये कुछ अपने आपको ज्यादा बोल दिया तो आज यहाँ लाइट भी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज कट लगा है। रात को बहुत ही ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ, रास्ते में बहुत ज्यादा रोड खराब हो चुके हैं और बहुत ही ज्यादा भयंकर बारिश हो रही थी रात को। और बिजली अकड़ गई। मैं एक्चुअली जब सो जाती हूँ मुझे कुछ पता नहीं क्यों 8 बजे से तो बारिश शुरू ही नहीं। नगर भी मुझे कॉल आया था। हाँ, हाँ, हुई तो कि मैम आप ठीक हो? भाई बहुत बुरी बारिश हो रही है यहाँ पे आज भी, उसके वहाँ बहुत खतरनाक बारिश हो रही है। वो दिन में भी उसकी कॉल आई थी कि मैम सब कुछ ठीक है, कि मैंने कहा सब कुछ ठीक है बट यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत हो चुके हैं, रास्ते बहुत खराब थे। हम भी शाम को बहुत मुश्किल से घर पहुंचे। और ईशा को क्या पता है, ये तो अंदर ही रहते हैं, इनके घर भी यही है, दुकान भी यही है। हम लोगों का घर तो बहुत दूर है। बाकी प्रीति को पूछ लो, प्रीति कैसे गई शाम को? बड़ी मुश्किल से, बहुत बारिश थी ना, बस के अंदर भी बारिश जा रही थी। तो सरकार की भी क्या कर सकते हैं, सरकार भी गरीब हो चुकी है ना हिमाचल की तो इस वजह से थोड़ा सा बस में भी पानी लगता है। सरकार बारिश थोड़ी ना रुकेगी, बारिश तो रुकेगी लेकिन पानी तो लग रहा है ना। तो बस यही आपको अपडेट देना था आज के ब्लॉग में कि हमारे यहाँ कल बहुत भयंकर बारिश हुई हिमाचल में। कहाँ कहाँ हुई वो नहीं मुझे पता, पर हमारे यहाँ शिमला में तो बहुत बारिश हुई कल, और बहुत ही खतरनाक लैंडस्लाइड हुए कल आज सुबह। बल्कि मेरे बेटा तो स्कूल के लिए यही बोला था कि मम्मा कैसे जाएंगे, बस ही नहीं आई सुबह। फिर 7:45 आज उसकी बस आई, फिर उसके बाद गया वो, तो रोड बंद थे तो रोड खुले, उसके बाद ही बेटा स्कूल गया। जबकि मैंने तो उसकी मैडम को मैसेज भी कर दिया था कि आज नहीं आएगा वो। अच्छा, फिर उसके बाद भी गया सुबह। तो बहुत खतरनाक बारिश हुई और ईशा ने बोला कि ब्लॉग स्टार्ट करो, मैंने बोला आज ब्लॉग बनाया ही नहीं है, ईशा मतलब ब्लॉग स्टार्ट करो, मैंने कहा चलो कर देते हैं। और आज हमारी लाइट ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, तो आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत होगी और चलिए मिल। तो गाइस अब पहुंच गई हूँ मैं घर पर, और बारिश लग गई थी उसके बाद, और मैं बिज़ी हो गई थी दुकान पर तो मुझे टाइम नहीं लगा। और मैं भून रही हूँ मक्की और साथ में बना रही हूँ खाना, मैं बना रही हूँ करेले, काट कर बना रही हूँ फटाफट से, करेले काट रही हूँ और खाना तैयार कर रही हूँ। और 8:15 हो चुके हैं, मैं इतनी लेट हो जाती हूँ घर पहुँचने के लिए, तो 8:15 हो चुके हैं, अब मेरा खाना बनेगा। उसके बाद जब तक खाना बनेगा तब तक ये लोग मक्की खाएंगे, मक्की का आनंद लेंगे। अब चूल्हा पर नहीं है हमारे, तो गैस पे बनाते हैं। तो बस तो ये देखिए, ये भून रही हूँ मैं मक्की, गैस पे ऐसे ही भूननी पड़ती है। और साथ में काट रही हूँ करेले फटाफट से, फ्रेश फ्रेश करेले आए आजकल मार्केट में दुकान पे, गांव की सब्जी है, गांव में लगे रहते हैं आजकल फ्रेश फ्रेश करेले, वो आए हैं बरसातों में। करेले की सब्जी बहुत होती है गांव में, तो वो बना रही हूँ और बहुत टेस्टी बनते हैं। अभी बस इसको बनाऊँगी जल्दी से, इसमें 2-3 प्याज डालूँगी और फटाफट से इसको बनाकर खाना खाएँगे, रेस्ट करेंगे क्योंकि बारिश भी लगी है बाहर। कल भी बहुत बारिश हुई, आज भी बारिश लगी है, बारिश ने वो दम मचा दिया। चलिए फिर, और आपको ब्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को जो चैनल पे नए आए हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।